अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आपको पता है कि हम जो आईकॉम की बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसी कड़ी में जो है आज हम उसका जो बाइनरी नंबर सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशन 271 पेज पे ये चैप्टर है, ठीक है। आज से हम बाइनरी नंबर सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और डायरेक्ट जो है वो मैं इसकी एक्सरसाइज पे जाऊंगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होगा उस पे मैं बात नहीं करूंगा, एक्सरसाइज के दौरान ही जो जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में मैं आपको समझाता रहूंगा और चीज़ें बताता रहूंगा। तो आइए हम जो है वो डायरेक्ट जो हमारी 2.1 एक्सरसाइज है, ठीक है, 271 पेज के ऊपर ये स्टार्ट होती है, ठीक है, 271 पेज से ये स्टार्ट हो रहा है और एक्सरसाइज जो स्टार्ट हो रही है सेक्शन टू इसका वो है पेज नंबर 294 के ऊपर, ठीक है। और इसका जो है वो हम आज सेक्शन टू क्वेश्चन थ्री ए पार्ट जो है ना इसका हम सॉल्व कर रहे हैं और उसका मैं ई पार्ट जो है ना वो स्टार्ट करने लगा हूँ 143 को। ये एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, और इसको बाइनरी नंबर में हमने कन्वर्ट करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया 143, ठीक है। टू हमने जो टू है वो एज अ इक्विवेलेंट यूज करना है, ठीक है, 2, 7, 14, ठीक है, और 2, 1, 2 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी क्या बच गया, बाकी 1 बच गया, ठीक है। जब मैंने 14 के ऊपर 2 को तकसीम किया 2, 7, ठीक है, ये 7 ये लिख दिया मैंने, ठीक है, और 3 के ऊपर जब 2 को किया 2, 1, 2, 1, 2 हो जाएगा और बाकी 3 - 2 में 1 रह गया, वो 1 मैंने ये बाहर लिख दिया है, ठीक है। उसी तरह से अब इसमें मैं नेक्स्ट चलूँगा, फिर 2 पे इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, 3, 6, ठीक है, 2, 3, 6 और यहाँ से 1 बच जाएगा, ठीक है, 7 है, 2, 3, 6 हो गया, ठीक है, तो 7 - 6 = 1 बच गया, ठीक है, 6 यानी कि पूरा हो गया, 1 बच गया, वो 1 इसके साथ लग जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको 11 को किया 2, 5, 10 और 11 में फिर 1 बच गया, वो 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, उसके बाद मज़ीद 2 पे मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, 2, 1, 2 हो गया, ठीक है, 2 * 1 = 2, यहाँ से 1 बच गया, इसके साथ लग गया, ठीक है, 15 हो गया, ठीक है, 2, 7, 14, 15 में से 14 गए 1 बच जाएगा, वो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसको मज़ीद में मैं 2 पे करूँगा, ठीक है, 2, 8, 16, ठीक है, 17 में से 16 गए तो 1 बच गया, ठीक है, फिर 2, 4, 8, 0 बचा, ठीक है, यानी कि पूरा पूरा 8 जो है वो 2 पे पूरा पूरा हो गया, 2, 4, 8 कुछ भी नहीं बचा बाकी, ठीक है, फिर 2, 2, 4 फिर कुछ नहीं बचा, ठीक है, और 2, 1, ठीक है, यानी कि 2 को 2 पे किया 1 आ गया, बाकी कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। अब इसका आंसर मैंने लिखना है, आंसर मैं इसका किस तरह से लिखूँगा, आंसर मैंने इसका लिखना है 143 = ठीक है। अब आंसर मैंने लिखना है ऐसे यहाँ से इस तरह, ठीक है, पहले मैं ये लिखूँगा 1 फिर 0 फिर ये 0 फिर ये 0 फिर ये 1 फिर ये 1 फिर ये 1 फिर ये 1, ठीक है, और यहाँ पे 2 कर दूंगा क्योंकि इसकी जो ये जो इक्विवेलेंट हमने यूज़ किया इसके लिए वो 2 है, ठीक है, यही इसका आंसर है 1000111, ठीक है, यही इसका आंसर, अगर आप बुक से इसको टैली करते हो तो बिल्कुल यही आंसर है। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसका क्वेश्चन करने लगे हैं जी, कर लेते हैं,
ठीक है, उसमें कहता है 583, ठीक है, 583 को हमने कन्वर्ट करना है, 6.1 हमारी एक्साइज है, ठीक है, आईकॉम की बाइनरी वाली 583 को मैं अगर करता हूँ, आइए इसको स्टार्ट करते हैं 583, ठीक है, तो आइए बारी बारी शुरू हो जाते हैं अब। अच्छा, अब दो आ गए यहाँ पे, दो को मैंने डिवाइड किया पाँच के ऊपर, दो चार दो दो चार, ठीक है, यानी कि पाँच को किया दो दो चार हो गया, ठीक है, पाँच में से चार गया, बाकी एक रह गया, वो इसके साथ मिलके 18 हो जाएगा, 2 9 18, ठीक है, और 2 1 2, बाकी बच जाएगा 1, ठीक है, यानी कि दो दो चार किया, चार में से पाँच के बाकी बच गया एक, वो इसके साथ मिलके 18 हो गया, 2 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 18 आ जाएगा, अब यहाँ से कुछ नहीं बचा, ये 3 रह गया, ठीक है, 3 में अब 3 को मैं अगर डिवाइड करूँगा 2 के ऊपर, 2 1 2 1 2, ठीक है, 3 में से 2 गए तो बाकी रह गया 1, वो जो 1 रह गया वो मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, आइए इसको आगे मज़ीद करते हैं, 2 1 2 2 4 8, ठीक है, ये 9 है, 2 4 8 होता है, 1 बच गया, ये इसके साथ मिलके 11 हो जाएगा, 2 5 10 और 11, ये 11 था, 1 इसका बच गया, ठीक है, उसके बाद मज़ीद 2 7 14 और 2 2 4, ठीक है, ये 14 किया तो इसमें कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अच्छा, ये किया 2 7 14, तो ये 14 पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ से कुछ नहीं बचा, और ये 2, ये 5 है, ठीक है, ये 2 2 4 होता है, तो ये 5, 4 में से 5 में से 4 गए, यहाँ पे 1 मज़ीद बच जाएगा, ठीक है, फिर 2 3 6, 1 बचा, 12 हो गया, और 2 6 12, ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, उसके बाद 2 1 2, यहाँ से 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16, फिर कुछ नहीं बचा, ठीक है, 2 9 18, ठीक है, पूरा पूरा तकसीम हो गया, कुछ भी नहीं बचा, 2 4 8, ठीक है, 8 हुआ है, 2 4 8 होता है, तो ये 9 है, 1 बच गया, ठीक है, फिर 2 2 4, कुछ भी नहीं बचा, और 2 1 2, फिर कुछ नहीं बचा। अब इसका आंसर मैं लिखना है, तो इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगा, इसका आंसर मैं लिखूंगा 583 इज इक्वल टू, यहाँ से शुरू होना है मैंने, 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1, ठीक है, और क्योंकि इसमें जो इक्विलेंट है वो मैंने 2 यूज़ किया है, तो ये मैंने 2 इसके साथ लिख दिया है, तो अगर मैं एच का आंसर भी देखता हूँ ना, सॉरी जी का आंसर भी अगर बुक से देखता हूँ, तो वही 1 00 1 000 और 1 1 इंटू 2, यही इसका आंसर है बुक के अंदर भी, ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम कर लेते हैं इसका जो जे पार्ट है, इसके जे पार्ट की तरफ मैं बढ़ूंगा, जे पार्ट है इसका 27 45, ठीक है, 27 45 27 45, आइए शुरू हो जाते हैं, 2, ठीक है, 2 के साथ ही हमने एज अ इक्विवेलेंट हमने यूज करना है, ठीक है, तो आइए शुरू हो जाते हैं बारी बारी, जे बाट है, सताइस पैंतालीस जे पार्ट नहीं है, 27 45 जो है ना ये आई पार्ट है, ठीक है, आई पार्ट यहाँ पे आ गया 2 1 2, ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 2 3 6, ठीक है, 6 आया, 1 बच गया, 14 हो गया, 2 7
14, ठीक है, दो दो चार, ठीक है, चार और पांच है, तो एक यहाँ पे बच गया पांच में से, ठीक है, समझ आ गई है इसकी, यानी कि दो एक, दो एक, दो पूरा पूरा तकसीम हो गया, दो तीन छः, छः आया, जबकि ये सात है, तो एक बच के इधर चला गया, ये 14 हो गया, 2 7 14, ये पूरा पूरा तकसीम हो गया, फिर दो 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 चार, ठीक है, चार हुआ, एक बच गया, वो एक मैंने ये लिख दिया, उसके बाद आते हैं दो छः, इसको मैं कर रहा हूँ, दो छः 12, एक बच गया, सात हो गया, दो आठ 16, फिर एक बच गया, ये 12 हो गया, और दो छः 12, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको करने लगा हूँ, दो छः 12, ये 13, एक बच गया 17 हो गया, दो आठ 16, एक बच गया 12 हो गया, और दो छः 12, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। फिर दो तीन छः, दो चार आठ, और दो तीन छः, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया, ठीक है। दो एक दो, एक बच गया 14 हो गया, दो सात 14, ठीक है, यानी कि दो एक दो, ठीक है, दो तीन में से दो गए तो एक बच गया, वो यहाँ पे 14 हो जाएगा, दो सात 14 हो गया, और दो एक दो एक बच गया, ठीक है, दो आठ 16, ठीक है, दो आठ 16, एक बच गया 11 हो गया, दो पाँच 10, ठीक है, 10 में से 11 में से 10 गए तो एक बच गया, ठीक है, दो चार 8, दो दो चार, ठीक है, दो चार 8 पूरा पूरा हो गया, और दो दो चार 5 में से 4 गए, एक बच गया, ठीक है, दो दो चार दो एक एक, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, दो 10, दो 10 20, ठीक है, तो ये 21 है, 20, 21 में से 20 गए तो एक बच गया, ठीक है, दो पाँच 10 कुछ नहीं बचा, ठीक है, दो दो चार, ठीक है, ये 5 है, एक बचता है, ठीक है, और दो एक, और यहाँ पे बचा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका आंसर लिखना है, आंसर हम कैसे लिखेंगे, 27 45 इज इक्वल टू, ऐसे लिखना है, 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है। अगर बुक से मैं इसका आंसर देखता हूँ तो ये है 1 0 1 0 1 0 1 1 1, ठीक है, बुक में भी यही आंसर है। अब ये जो ए पार्ट था, ठीक है, इसके मैंने आपको, मैंने ई पार्ट मैंने करवा दिया आपको, ठीक है, जी पार्ट मैंने करवा दिया, ठीक है, और आई पार्ट जो है ना वो मैंने आपको करवा दिया। अब आपकी असाइनमेंट क्या है, ए पार्ट की असाइनमेंट है, ठीक है, असाइनमेंट है या होमवर्क, आपके क्या क्या, ए पार्ट आपने करना है, बी पार्ट आपने करना है, सी पार्ट आपने करना है, डी पार्ट आपने करना है, एफ पार्ट आपने करना है, ठीक है, एच पार्ट आपने करना है, और जे पार्ट आपने करना है। अब इसमें आपको किसी तरह का कोई मसला होगा ना, तो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा वीडियो बना के वो वीडियोस जो है ना इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा, किसी भी तरह का कोई मसला आपको किसी भी इस होमवर्क में आएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद वो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है आईकॉम का, उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के अंदर है, ठीक है, उस लिंक पे जाके अपने, आपने इसके स्क्रीनशॉट मेरे साथ ज़रूर शेयर करने, ताकि मुझे पता चले कि भाई मैं अगर आपको वर्किंग करवा रहा हूँ तो आप लोग वर्किंग कर भी रहे हो, सीख भी रहे हो, ठीक है। अब उसको ये वाले होमवर्क आप मुझे करके शेयर करोगे तो मुझे फिर ही पता चलेगा कि आप, आपको कुछ समझ आ रही है, ठीक है। तो मैं आपकी जो ये होमवर्क है इसका वेट करूँगा कि आप लोग वहाँ पर इसको शेयर करो, तो ठीक है। फिर अभी ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग, इसमें हमने डेसिमल को कन्वर्ट किया है बाइनरी में, उसके अंदर हमने बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, ठीक है। तो आइए उस, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम वो काम करेंगे।